प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 सेतु कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा, बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि वार्षिक परीक्षाओं के जो पेपर होते हैं वो मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरह ही बनकर आते हैं। तो देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जरूर समझ जाएं, जिससे कि आप सभी को एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, हायर सेकेंडरी की जो वर्ष 2023-24 में परीक्षा होने वाली है राजनीति शास्त्र की, तो उसके लिए पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देख सकते हो इस प्रकार का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा। अब चलेगा, हम जल्दी से इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है पूरा और समझ लेना है। अब चलेगा, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई है। पहला क्वेश्चन लिखा है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल था। तो देखिएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी उत्तर आपको लिख लेना, 1985 से 1991 तक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, WHO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, WHO की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कि लिखा है, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ना, इसका उत्तर भी आपका ये आ जाएगा, 181। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है 4 के बाद में, ग्रीन हाउस गैसेस संबंधित है। तो देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसें जो है किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर आपको लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी से संबंधित है। अब उसके बाद 6 क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 6 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका याद आएगा, 1956 में इसे पारित किया गया था। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी आसियान के कौन से घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिएगा, उस घोषणा पत्र का नाम था बैंकॉक। क्या नाम था? बैंकॉक घोषणा पत्र। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, बैंकॉक घोषणा पत्र इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव का नाम था ट्रिगवेली। यहाँ से आपको ये लिख लेना है, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, प्रथम विश्वयुद्ध को हुआ। तो देखिएगा, प्रथम विश्वयुद्ध कब हुआ था, 1914 को हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा क्या लिखा है, लिमिट्स टू डॉकेट पुस्तक लिखी गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो देखिएगा, इसका उत्तर लिखी गई ये, तो देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा 1972। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो देखिएगा, भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे। तो देखिएगा, 6वें प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, राजीव और उसके बाद में गांधी देश के 6वें प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है, प्रधानमंत्री। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो जल्दी से आप लोग इन्हें भी तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो देखिएगा, सोवियत संघ में कुल टोटल 15 गणराज्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ। तो देखिएगा, ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966। तो यहाँ से लिख लें, 10 जनवरी 1966 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि लिखा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था। तो देखिएगा हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। क्या कहते थे इसको, निजाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। तो देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो यहाँ से आपको इसको देख लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो यहाँ से आपको लिख लेना हेरोड डोमोर। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है हेरोड और इसके बाद डोमोर आपको लिख लेना है, ये इनका नाम आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस में हैं। तो देखिएगा अनुच्छेद 352 में है। अगला क्वेश्चन, जयललिता मुख्यमंत्री थी। तो देखिएगा जयललिता कहाँ की मुख्यमंत्री थी, इसका उत्तर आ जाएगा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी ये। तो ऐसे लिख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्य असत्य देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको सत्य असत्य को भी देख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य है। तो देखिएगा ये तो पूरी तरह से असत्य हो जाएगा, क्योंकि 785 तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है। देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो ये जरूर आपका सत्य होगा। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का देख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। तो जोड़ी का मिलान आप लोग कैसे करोगे, CTBT की स्थापना। तो देखिएगा CTBT की स्थापना आमने सामने मिल जाएगा, WTO का मुख्यालय जिनेवा में आमने सामने हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। जयप्रकाश नारायण, तो देखिएगा संपूर्ण क्रांति के जनक है ये। सिक्किम भारत का राज्य बना 22वां। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष गोमेश चंद बनर्जी। तो ऐसे आप सभी लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखे हैं, बर्लिन की दीवार क्या है, और सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी, निशस्त्रीकरण क्या है, और उसके बाद में मानव अधिकार किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन लिखे हैं, देख सकते हो पूरे के पूरे पेपर में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देख सकते हो ये क्या लिखा है क्वेश्चन, देख सकते हो ये सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, गैर कांग्रेसवाद के सिद्धांत पर टिका था प्रेस सेंसरशिप क्या है, और उसके बाद में आगे क्वेश्चन लिखा है 42वां संविधान संशोधन क्या है, स्वायत्तता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, गठबंधन सरकार क्या है, और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं, देख सकते हो ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे ऐसा कैसे आपका पूरा का पूरा पेपर पूछा जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो आप सभी लोग इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षाओं का पेपर भी बिल्कुल इसके जैसे ही आने वाला है, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका बोर्ड परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र का पेपर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर ये। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।